कोई जेल में बंद एक बहुत महा ठग है, सुकेश नाम है उनका शायद, उनकी चिट्ठी जब लिखी जाती है, वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, सुकेश चिट्ठी लिखता है, तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा एलजी साहब को सबमिट करता है और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं जो भी है। और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब भी, एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी, और जब सुकेश चिट्ठी लिखते हैं तो मुझे लगता है पूरा का पूरा एलजी ऑफिस इंतजार करता होगा, अरे भाई एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है, सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है, हमारे सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है। तो सुकेश जी की चिट्ठी पर जिन एलजी साहब को इतना मोहब्बत इतना प्रेम उबरता है और उसकी एक एक शब्द को वो ब्रह्म वाक्य मानते हुए सत्य मानते हुए उस पर, जिसे कहते हैं ना सुकेश जी की चिट्ठी को देख के उनकी बाँछें खिल जाती हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है एलजी साहब का, केजरीवाल जी की चिट्ठी को भी मंगा लेते भाई कहाँ है। स्वतंत्रता दिवस तो बहुत महान अवसर है, उसके बारे में अगर दिल्ली के सिटिंग सीएम ने एक चिट्ठी लिखी है तो उनके ऑफिस को एक डीजी ऑफिस में फ़ोन ही करना था, भाई सुना है केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है, कहाँ है वो भेज दो। पर नहीं, इनको ना स्वतंत्रता से कोई लेना देना है, ना इनको देश से कोई लेना देना है, इनके तो प्रेमी लोग सुकेश जी जैसे लोग हैं।